ये कहानी एक कपल की है जो अपनी लाइफ में लूजर होते हैं, लेकिन लाइफ इन लोगों को एक ऐसा मौका देती है कि इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। लेकिन क्या ये मौका इनके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, पता लगाएंगे हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये कहानी है जॉन और एलिस की। जॉन एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है और एलिस अभी भी जॉब की सर्च कर रही होती है। जॉन और एलिस एक किराए के घर में रहते हैं। एक दिन इस घर का मालिक, जिसका नाम आम होता है, किराया लेने आता है। आम, एलिस और जॉन एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। एलिस आम को किराए का चेक देती है तो आम एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जाते समय वो आते हुए जॉन की पिटाई कर देता है। अगले दिन जॉन और एलिस अपने फ्रेंड्स के यहाँ एक पार्टी में जाते हैं। एलिस और जॉन को लोग लूजर समझते हैं, इसलिए उनके ज्यादा फ्रेंड नहीं होते हैं। चुक और लुईस ही उनके खास दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो पार्टी इंजॉय करते हैं। अगले दिन ये दोनों कुछ सामान लाने के लिए कार में बाहर जा रहे होते हैं तो इन लोगों का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस से बात करते वक्त एलिस को सड़क के दूसरे किनारे पर एक एंटिक शॉप दिखती है, जहाँ पर काम कर रही लेडी को एलिस एक एंटिक टीपॉट लोहे के ड्रम से निकालती हुई देखती है। एलिस टीपॉट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उस लेडी के पीछे उस एंटिक शॉप में चली जाती है और शॉप के अंदर मौका देखकर एलिस उस टीपॉट को चुरा लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एलिस अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्टाइल कर रही होती है तो अचानक से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तभी टीपॉट का ढक्कन हिलता है और एलिस जब टीपॉट के ढक्कन को हटाती है तो उसको उसमें से $200 मिलते हैं। एलिस सरप्राइज हो जाती है। एलिस फिर एक बार जानबूझकर अपने आप को शॉक लगाती है तो फिर उसको टीपॉट के अंदर से पैसे मिलते हैं। एलिस को समझ में आ जाता है कि जितनी बार वो अपने आप को चोट देगी, अपने आप को पेन देगी, उतनी ही बार टीपॉट उसको पैसे देगा और वो अपने आप को अलग अलग तरह की चोट देके टीपॉट से पैसे निकालती है। शाम को जॉन जब घर पे आता है तो एलिस को चोट लगी देखकर घबरा जाता है, लेकिन एलिस उसको टीपॉट के बारे में बताती है। लेकिन जॉन को इस बात पे विश्वास नहीं होता है तो एलिस उसको अलग अलग तरीके से मारती है और टीपॉट से पैसे निकाल के बताती है। जॉन को विश्वास हो जाता है, लेकिन जॉन कहता है कि आज मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन पैसे कमाने का ये तरीका सही नहीं लगता है। तो एलिस उसको समझाती है कि टीपॉट गॉड गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन एलिस के पास एक नोट छोड़ के उस टीपॉट को वापस एंटिक शॉप पर ले जाता है, पर वो शॉप वहाँ पर बंद होती है तो जॉन उस टीपॉट की वैल्यू जानने के लिए एक एंटिक शो टीवी प्रोग्राम में ले जाता है, जहाँ से टीपॉट को देख कर एक चाइनीज आदमी सरप्राइज हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस टीपॉट के बारे में कुछ खास पता है। जॉन घर आकर एलिस के साथ एग्री हो जाता है कि हम टीपॉट से पैसे बनाएंगे, अपने ड्रीम पूरे करेंगे, लेकिन $1,000,000 पैसे कमाने के बाद में इस टीपॉट को यूज करना बंद कर देंगे। एलिस इस बात पे एग्री हो जाती है और अब शुरू होता है अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट देकर पैसे कमाने का सिलसिला, जैसे कि टैटू बनाना, वैक्सिंग कराना, तरह तरह के गेम प्ले करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। देखते ही देखते वो लोग टीपॉट से बहुत सारे पैसे बना देते हैं और वो पैसे अपने बाथरूम में छुपा देते हैं। उन पैसों से वो अपना लोन भी चुका देते हैं। कुछ दिनों बाद में जॉन के घर पे दो जुड़वा भाई आते हैं और जॉन की पिटाई करने लगते हैं और जॉन को बताते हैं कि वो ओल्ड लेडी जिससे एलिस ने टीपॉट चुराया था, वो उनके ग्रैंडसन है। ये टीपॉट उनसे बिलोंग करता है। उन जुड़वा भाइयों ने बताया कि जॉन के टीवी प्रोग्राम से उनको पता चला कि टीपॉट यहाँ पर है। सिचुएशन को देख के एलिस टीपॉट में से पैसे निकालती है और जुड़वा भाइयों को दे देती है। एलिस कहती है कि टीपॉट तो उसने बेच दिया है, ये पैसे लेके यहाँ से चले जाओ। तो जुड़वा भाई पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। एलिस और जॉन टीपॉट की सच्चाई जानने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उनको टीपॉट की एक एशियन बुक मिलती है। एलिस को पता चलता है कि ये टीपॉट लगभग 2000 साल पुराना है और इस टीपॉट के फायदे के साथ साथ इसके बहुत सारे खतरे भी हैं। बुक में टीपॉट से सावधान रहने के लिए कहा जाता है और जॉन भी बुक पढ़ता है, लेकिन एलिस उसको कन्विंस करती है कि बुक बहुत पुरानी है और हमें बुक की बातों को नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में ये लोग टीपॉट को यूज करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं।
और उन पैसों से लग्जरी कार और बंगलो खरीदते हैं और अपने ड्रीम पूरे करते हैं। उस बंगलो में एक पार्टी रखते हैं। जब वो लोग अपनी पार्टी इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि पार्टी के दौरान डोर पर वही चाइनीज आदमी आ जाता है जिसने टी पॉट को टीवी प्रोग्राम पे देखा था। इस आदमी का नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन और एलिस को बताते हैं कि टी पॉट तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसको मुझे दे दो। तो जॉन और एलिस ये कहते हैं कि उन्होंने टी पॉट बेच दिया है और ली को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। एक रात को एलिस और जॉन अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चुपके से उनकी बातें आम सुन लेता है और बहुत जेलिस फील करने लगता है कि कल के किरायेदारों के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। जलन के मारे वो घर में घुस जाता है और वहाँ पर रखे टी पॉट लेकर भाग जाता है और अपनी कार में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर चिढ़ाने के बाद में आम उस टी पॉट को फेंक देता है और अपनी कार से टी पॉट को कुचल देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली टी पॉट को कुछ नहीं होता। इस घटना को देख के एलिस और जॉन को विश्वास हो जाता है कि टी पॉट में जरूर ऐसी बात है जिसकी वजह से ये अनब्रेकेबल हो गया है। इसका राज जानने के लिए वो डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। डॉक्टर ली बताते हैं कि ये टी पॉट जीजस के टाइम का है। इस टी पॉट को हिस्ट्री में कई महान और बुरे लोगों ने यूज किया है, लेकिन ये टी पॉट 1945 में नाजी कैंप से गायब हो गया था। उसके बाद में पहली बार टी पॉट मैंने टीवी पे देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आया था। डॉक्टर ली बताते हैं कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत भी बुराई है तो तुम लोग इस टी पॉट को रखोगे तो बर्बाद हो जाओ। और डॉक्टर ली उनकी भलाई के लिए कहता है कि वो टी पॉट उनको दे दे, लेकिन एलिस इस बात के लिए एग्री नहीं होती है और टी पॉट अपने साथ ले जाती और फिर अपने आप को चोट लगा के पेन देकर पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहता है। एक रात को जुड़वा भाई एलिस के घर में घुसते हैं और बाथरूम में छुपाए पैसे चुरा लेते हैं। एलिस और जॉन जाग जाते हैं। एलिस अपने पैसों को चोरी होता हुआ देख के गुस्सा हो जाती है और दोनों भाइयों पे हमला बोल देती है, लेकिन फिर भी जुड़वा भाई ये पैसे लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह जब पिटे हुए जॉन और एलिस उठते हैं तो एलिस बहुत रोती है कि उनका बनाया हुआ सारा पैसा जुड़वा भाई ले गए, लेकिन जॉन एलिस को कन्विंस करता है कि हमारे पास टी पॉट है, हम वापस से पैसा बना सकते हैं। वो अपने आप को चोट देते हैं, लेकिन इस बार टी पॉट से पैसा बहुत कम निकलता है। उनको ये रियलाइज होता है कि टी पॉट को जितना यूज करोगे टाइम के साथ इसकी पावर कम होती जाएगी। उनको समझ में आता है कि अगर टी पॉट से अब ज्यादा पैसे बनाने हैं तो चोट भी ज्यादा खानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए जॉन एक क्लब में एक बैडमैन से जानबूझकर लड़ पड़ता है ताकि टी पॉट से पैसे कमाए जा सके। वापस आते समय ली जॉन को फिर बताता है कि टी पॉट अब उन लोगों को कंट्रोल करने लगा है। वो टी पॉट जॉन और एलिस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जॉन इस बात को इग्नोर करके चला जाता। एक दिन एलिस सड़क के पास बेंच पर बैठी होती है तो सड़क के पास स्केटिंग करता एक लड़का गिर जाता है और उसको चोट लगती है। तो एलिस देखती है कि टी पॉट में फिर से पैसे बन गए। इससे एलिस को ये बात समझ में आ जाती है कि टी पॉट के आसपास अगर किसी भी आदमी को चोट लगती है तो टी पॉट पैसे बनाएगा, और ये बात अब वो जॉन को जाके बताती है। इस बात को जान के कि टी पॉट के आसपास किसी भी आदमी को चोट लगने से पैसे बनते हैं, सिर्फ अपने आप को हर्ट करना जरूरी नहीं है, तो वो इस बात का फायदा उठा के अलग अलग तरीकों से जहां पर लोगों को दर्द होता है, चोट पहुंचती है, वहां जाते हैं और टी पॉट से बहुत सारा पैसा बनाते हैं। एलिस ड्राइव करते करते जॉन को बताती है कि एलिस अब बहुत पैसा कमाना चाहती है। लालच एलिस के दिमाग पर हावी हो चुका होता है। वो सड़क पर आता हुआ एक आदमी देखती है और उसको मारने के लिए उस पे कार चढ़ाने वाली होती है ताकि टी पॉट से पैसा कमाया जा सके, लेकिन जॉन उसको रोक लेता है। जॉन को अब पता चल चुका था कि एलिस को अभी टी पॉट कंट्रोल कर रहा है। जॉन इन सबको रोकना चाहता है पर एलिस अभी भी पैसे कमाना चाहती है, तो इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है और ये एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। तो इन दोनों को मेंटली बहुत हर्ट होता है और इन दोनों का दिल दुखता है। हर्ट हुई एलिस जब कार से उतर जाती है तो वो देखती है कि टी पॉट से पैसे गिरने लगते। तो एलिस को समझ में आता है कि जब आप किसी को मेंटल पेन या किसी का दिल दुखाते हो तब भी टी पॉट पैसा देगा। अब वो पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल पेन हो या फिर एक दूसरे का दिल दुखे। एलिस जॉन को बताती है कि कॉलेज टाइम में उनके घर का
ऑनर आर्मी उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ वो कई बार इंटीमेट हुई थी। तो जॉन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और बहुत पेन होता है। गुस्सा होकर वो आर्म को पीटने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन सीधा साधा जॉन खुद पिट के आ जाता है। उसी समय आर्म टीपॉट को देखता है और उसको समझ में आता है कि ये लोग पैसे यहाँ से बना रहे हैं, और आर्म उस टीपॉट पे नजर रखने लग जाता है। एक दूसरे के सीक्रेट एक्सपोज करने के बाद में ये अपने आसपास के दोस्तों के, ऑफिस कलीग के और पड़ोसियों के सबके सीक्रेट उनके पार्टनर्स को जाके बताते हैं, ताकि एक दूसरे का दिल टूटे और उनको बहुत सारे पैसे मिले, और इसके द्वारा वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एलिस का तो मन अभी भी नहीं भरा था। एलिस अभी कहती है कि हमारे आसपास तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, हम इनमें से अगर किसी को मार देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और क्रिमिनल के मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो किसी को मारने से पहले एक गड्ढा खोदते हैं ताकि लाश को सही जगह पे ठिकाने लगाया जा सके। इसी दौरान जॉन एलिस को पूछता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर टी पॉट की जरूरत। तो एलिस सरप्राइजिंगली कंफ्यूज हो जाती है और वो जवाब नहीं दे पाती। जॉन को लगता है कि उसने टीपॉट को चॉइस किया है। जॉन को अब समझ में आ गया है कि एलिस को टीपॉट पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जॉन हेल्प लेने के लिए डॉक्टर ली के पास जाता है और वो कहता है कि एलिस को रोकिए, वो किसी को मरने मारने पे उतारू हो गई। तो डॉक्टर ली बताता है कि टीपॉट को जो कोई भी चुराता है उसके माइंड को टीपॉट पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब निकलने लगती हैं। तो डॉक्टर ली बताता है कि एलिस मुझे टीपॉट नहीं देगी, एलिस से अगर कोई टीपॉट ला सकता है तो वो सिर्फ तुम। उसी रात एलिस को मिरर में उसी ओल्ड लेडी का रिफ्लेक्शन दिखता है जिससे उसने टीपॉट चुराया था, और उस रिफ्लेक्शन में वो बहुत गंदी दिखती है। उसको रियलाइज होता है कि वो शायद अभी बैड पर्सन बन गई है। तभी उसको दिखता है कि जॉन टीपॉट को लेकर विंडो में बैठा है और एलिस को बोलता है कि अगर तुमने टीपॉट डॉक्टर ली को नहीं दिया तो मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूंगा। पहले तो एलिस इमोशनल हो जाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं टीपॉट डॉक्टर ली को दे दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में एलिस वापस से टीपॉट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इससे जॉन को रियलाइज होता है कि एलिस का प्रॉमिस तो फेक है। वो डिसअपॉइंट होके विंडो से कूद जाता है और वो टीपॉट के साथ में गार्डन में गिरता है। जब एलिस नीचे आती है तो जॉन को बेहोश देख के वो बहुत रोती है और इमोशनल हो जाती है। उसको रियलाइज होता है कि उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कि जॉन के बिना लाइफ में कुछ नहीं है, और वो डिसाइड करती है कि ऐसा टीपॉट क्या काम का जो अपनों को ही मरवा दे। इसलिए वो टीपॉट को डॉक्टर ली को वापस देने का फैसला करती है। लेकिन उसी रात में आप एलिस और जॉन के घर से उस टीपॉट को चुरा लेता है। पहले तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ बला टली, लेकिन फिर जॉन को याद आता है कि टीपॉट की बुरी शक्तियों से अगर अपने आप को बचाना है तो उनको खुद जाकर डॉक्टर ली को ये टीपॉट हैंडओवर करना पड़ेगा। तो वो भाग के आम के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आम और उसकी वाइफ पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे हैं, और एलिस और जॉन पर आते ही गन तान देते हैं। तभी वहाँ पे दोनों जुड़वा भाई आ जाते हैं और अपने पैसे मांगते। इसी बहसबाजी में चारों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को गोलियां चलाकर मार देते हैं। लालच बुरी बला, इस लालच में ये चारों लोग मर गए। जॉन और एलिस टीपॉट को उठाकर डॉक्टर ली को दे देते हैं और डॉक्टर ली उस टीपॉट को एक गहरे समंदर में फेंक आते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एलिस टीपॉट से कमाए हुए पैसे अपने बेस्ट फ्रेंड चुप और लुइस को दे देते हैं और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ से दूर निकल जाते हैं।